हरे कृष्णा। जगन्नाथ कथा महामहोत्सव पर आज छठवां दिवस है। आप सभी को राधा गिरिधारी मंदिर इस्कॉन मीरा रोड का तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो चर्चा का विषय है नव कलेवर। कलेवर मतलब क्या है? शरीर। नव मतलब नया। जगन्नाथ नया शरीर लेते हैं, इसका ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ भक्त लोग नवकलेवर कभी दर्शन किए? कभी भी जीवन में नवकलेवर दर्शन किया? कभी नहीं। और आगे होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। नवकलेवर हम लोग को जो उम्र का अनुसार देखा जाए तो, क्योंकि नवकलेवर जुड़वा आषाढ़ा जब पड़ता है तब नवकलेवर होता है जगन्नाथ का, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अभी हुआ था 2015 पे नवकलेवर हुआ था। नवकलेवर इसलिए है, ये संपूर्ण शास्त्रगत प्रमाण है, स्कंद पुराण में है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, अलग अलग पुराण में वर्णन है। जदुवंश के ध्वंस होने का हो जाने पर कृष्णा जिन्हें अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया। कहा जाता है कि उस वर्ष दो आषाढ़ पड़े थे, उसी दिन आषाढ़ मल मास या अधिक मास की कृष्ण चतुर्दशी का दिन था। जंगल में भगवान कृष्णा वृक्ष की छाया में क्लांत एवं अवसन्न होकर विश्राम लिए थे। उसी समय जरासवर का बाण उनके चरण में लगा। उसी कृष्ण चतुर्दशी की अर्धरात्रि में श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर को त्याग दिया। इसी कारण से जिस वर्ष दो आषाढ़ पड़ते हैं उसी वर्ष जगन्नाथ जी का नवकलेवर होता है। शिल्पशास्त्र के अनुसार भी काष्ट निमित्त विग्रह का 12 वर्षों में परिवर्तन कर देना चाहिए और किया भी जाता है, ये आवश्यक है। साधारणतया 12 साल और 20 साल का अंदर जरूर दोनों जुड़वा आषाढ़ पड़ेगा। और जिस साल ये जुड़वा आषाढ़ पड़ता है इसको अधिक मास कहा जाता है। कभी कभी जुड़वा ज्येष्ठ भी पड़ता है, कभी कभी जुड़वा बैसाख भी आता है, कभी कभी जुड़वा श्रावण भी आ जाता है। लेकिन जुड़वा आषाढ़ जिस साल पड़ता है उसी साल जगन्नाथ जी अपना शरीर को त्याग देते हैं और उसी साल जगन्नाथ का नवकलेवर होता है। अधिक मास की कृष्ण चतुर्दशी का अर्धनिशा में पूरी मंदिर की चारों मूर्तियां का परिवर्तन करके नए मूर्तियां को स्थापित किया जाता है। उस उत्सव का नाम है नवकलेवर उत्सव कहा जाता है। स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम महात्म में कहा गया है, खंडनात सर्व दुखानाम खंडानद दानतः स्वभावत दारुरोख्यो हि परम ब्रह्म भी धीयते। इन दारु मूर्त की दो विशेषता है, दोनों शास्त्र सम्मत तथा अनन्य है। दारु शब्द में ही विशेषता है, निहित है। यह शब्द दो धातु से निष्पन्न होता है। दारु शब्द में ही दारु दो अक्षर है, दा धातु और दो धातु। इन दोनों धातुओं से रू प्रत्यय होने से इसको दारु शब्द कहा जाता है। शील या स्वभाव के अर्थ में रू प्रत्यय होता है। पहला है
दा धातुरु रू प्रत्यय है, दा का अर्थ है दान देना, दान करना, दा का अर्थ है। और जब रू प्रत्यय हो जाता है उसमें दानशीलता प्रत्यय निष्पन्न हो जाता है। दो धातु का अर्थ होता है खंडन करना, अतः वे दारू खंडनशील स्वाभाविक है। ये मूर्तियाँ अखंड आनंद दान करती है और समस्त दुख का खंडन करती है। अखंड आनंद दान और सर्व दुख खंडन करते हैं, इसलिए उसका नाम है दारू। दूसरा प्रमाण देते हैं, बृहत भागवत अमृत में कहा जाता है, अशेष जन्म अर्जित पापम दर्शनात दारयति, दारयति इति दारुः, स एव दारु, स एव ब्रह्म दारु ब्रह्म। अशेष जन्म, कितने जन्म हो, करोड़ों करोड़ों जन्म आप ले चुके हैं। अशेष जन्म अर्जित पापम, करोड़ों जन्म का अर्जित पाप दर्शनात दारयति, दारु ब्रह्म को दर्शन करने मात्र से, करोड़ों जन्म का अर्जित पाप दारु ब्रह्म को दर्शन करने मात्र से, दारयति ही दारु, सैव ब्रह्म दारु ब्रह्म, दारु ब्रह्म को दर्शन करने मात्र से करोड़ों जन्म का पाप तत्क्षणात नष्ट हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, अब कोई भी वस्तु आप जलाते हो, एग्जाम्पल देते हैं, कोई धातु, धातु को जलाते हो, एक लोहे, लोहा को जलाते हो आप, दूसरा साइड में आप पकड़ सकते हैं, लोहा गर्म हो जाएगा तो दूसरा साइड में पकड़ सकते हैं, लोहा गर्म हो रहा है दूसरा साइड पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। लेकिन लकड़ी ये गुणता है, एक ही साइड में आगे जल रहा है लेकिन दूसरा साइड में आप हाथ में पकड़ो, गर्म होगा, कुछ नहीं गर्म, ये दारू में निष्पन्न है, लकड़ी में निष्पन्न है, इसलिए उसका इतने शक्ति है दारू ब्रह्म का, जो कि संपूर्ण पाप को नाश करता है, जन्म जन्मांतर पाप को। फिर अर्थ, नव कलेवर का अर्थ क्या है, नव अर्थ नया, कलेवर का अर्थ शरीर, दो शब्द से नवकलेवर शब्द कहा जाता है। तब जगन्नाथ का जो मूर्ति निर्माण शास्त्र का अनुसार विभिन्न पदार्थ निमित्त विग्रह का परमायु भिन्न भिन्न होता है, मणि धातु दारु चित्र मृण्मय में विग्रह का परमायु अलग अलग होता है। 10,000 वर्ष, 1,000 वर्ष, 12 वर्ष और 1 वर्ष, ये एक और एक महीना भी होता है, अलग अलग सब। कैसा, जगन्नाथ का विग्रह काष्ठ में बनता है, उसका परमायु होता है 8 साल, 12 साल, 19 साल, 32 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल तक इसका परमायु होता है। और जो मणिमुक्ता में बनता है जो विग्रह, इनका 1,000 साल, 2,000 साल, 5,000 साल, ऐसा ही उनका परमायु होता है। जिस साल में 2 आषाढ़ होता है उसी साल नवकलेवर होता है। यहाँ प्रश्न हो सकता है, जिस राजा ने श्री जगन्नाथ विग्रह के लिए इतना बड़ा मंदिर, 214 फीट बड़ा मंदिर बनाया, सारा विश्व का हाईएस्ट टेंपल हाइट में, इतने बड़ा मंदिर बनाने का बाद और पूजा उपासना करने के लिए, पूजा विधि करने के लिए 36 प्रकार की सेवक नियुक्ति किया, राजा इंद्रदुम ने इतना बड़ा मंदिर बनाया और 36 प्रकार की सेवक रखा। आप बोलोगे 36 प्रकार सेवक कैसा है, खाली पूजा कर देंगे तो हो गया, वो एक ही सेवक है क्या, नहीं,
जगन्नाथ मंदिर पे लकड़ी काटने वाले से चालू होता है, जो मिट्टी का बर्तन बना से चालू होता है वो भी सेवक है, जगन्नाथ का सेवा में संश्लिष्ट होते हैं। पूजा पंडा, दर्शन करने वाले पंडा, भगवान को श्रृंगार करने वाले पंडा, मुक्ति मंडप में बैठने वाले पंडा, गीता पाठ करने वाले पंडा, सब अलग अलग है। और झंडा चढ़ाने वाले पंडा, रेगुलर झंडा चढ़ता है जगन्नाथ मंदिर पे डेली। झंडा दर्शन करोगे एक बार, जाके झंडा कैसा चढ़ता है दर्शन कर लो एक बार, अब आश्चर्य हो जाओगे। उल्टा चढ़ता है, मंदिर मेरा पीछे है ऐसा चढ़ेगा, 214 फीट नीचे से पूरा। और वो मंदिर पे वो भी एक ही प्रकार की सेवक है। तब वो जो झंडा है, पहले जब वो मंदिर था सत्ययुग में, जब मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था, तब वो झंडा का हाइट कितना था, झंडा का लंबा कितना था मालूम है? झंडा इतना लंबा था, ऊपर से झंडा लहरता था, समुद्र को स्पर्श करता था, समुद्र को स्पर्श करता था, इतना लंबा झंडा। लेकिन हवा से वो झंडा इतने लहराया तब मंदिर को दबाते रहा, मंदिर का ऊपर प्रेशर आया, तब अभी वो झंडा को छोटा कर दिया गया। अभी जो झंडा चढ़ता है वो झंडा 14 फीट का होता है, 14 फीट वो झंडा होता है अभी। इस प्रकार सब अलग अलग सेवा करने वाले होते हैं। रसोशाला में सब्जी कटिंग करने वाले सेवक, सब मिला के 36 प्रकार की सेवक उसे मंदिर पे नियुक्ति है। इतने बड़ा मंदिर बनाया, इतने सारा सेवक रखा, और विग्रह को दारू में क्यों निर्माण किया, ये प्रश्न उठ रहा है। उक्त प्रश्न का समाधान के लिए विभिन्न पदार्थ में निर्मित विग्रह का तुलना दारू विग्रह का वैशिष्ट्य शास्त्र में प्रमाण है और शास्त्र में विधेय है। विग्रह निर्माण शास्त्र अनुसार विभिन्न धातु, पत्थर और मणिमय विग्रह का पूजा से दारू विग्रह का पूजा विशेष फल प्राप्ति होता है। अपर पक्ष में मनुष्य जब धातु द्रव्य को व्यवहार नहीं करता था तब क्या करता था, पेड़ को पूजा करता था। पहले समय में सभी लोग पेड़ को पूजा करते थे, पेड़ को देवता का रूप में स्वीकार करके और पेड़ को ही देवता ज्ञान करके पूजा करते थे। समय काल सब कुछ परिवर्तन होने के नाते शास्त्र पढ़ने के बाद, वो टाइम तो शास्त्र कोई पढ़ते नहीं थे, तब पेड़ को पूजा करते थे पहले समय पे। बृहत संहिता में उल्लेख है काष्ठ और मूर्तिका में बने विग्रह क्या क्या प्रदान करता है, आयु प्रदान करता है, श्री प्रदान करेगा, बल प्रदान करता है और विजय प्रदान करता है। किसी में विग्रह लकड़ी में बना हुआ विग्रह और मूर्तिका मिट्टी में, मनुष्य का हित और पुष्टि साधन और जश प्राप्ति संतान लाभ, अतः अत्यधिक भूमि प्राप्त निमित्ते वह मणि, मुक्ता, सुवर्ण, रूपा और तंबा और पीतल और पत्थर में निर्मित विग्रह को पूजा करता है, ये शास्त्र में प्रमाण है। फिर भी एक ही कारण हो सकता है, जब इंद्रदुम्न राजा को स्वप्न हुआ था, इंद्रदुम्न राजा को स्वयं भगवान स्वप्न में कहे थे, मैंने आपको बंकिम मुहान पर दर्शन दूंगा। बंकिम मुहान कहा जाता है अभी का समय में जगन्नाथपुरी में चक्कर तीर्थ रोड को, समुद्र में वो लकड़ी भास्कर आया था, नीम का लकड़ी भास्कर आया था, भासमान अवस्था में समुद्र में लहरते लहरते आया, तब आके बंकी मुहान
वही चक्कर तीर्थ रोड पे, और वहाँ पे अभी भी आप जाओगे तो बहुत बड़ा सुदर्शन चक्र रखा गया, छोटा सा मंदिर बना है, वहाँ दर्शन करोगे। और इंद्रदमन राजा को स्वयं जब प्रभु कहे मैं मिलूंगा, और लकड़ी का दारू का रूप में, और आप इसको दारू को लेके विग्रह निर्मित करके मंदिर में स्थापन करके पूजा पाठ करने के लिए, भगवान स्वयं कहे राजा को लकड़ी में बनाने के लिए, दारू में बनाने के लिए, तो भगवान का बात को सत्य करने के लिए वही सेम चीज लकड़ी भासमान में आया और इंद्रदुम्न राजा को प्राप्त हुआ। इंद्रदुम्न राजा ने इसको लिया, इसको बनाया, फिर मंदिर बनाया, मंदिर को बना के प्रतिष्ठा करने के लिए ब्राह्मणों को गया, ब्रह्मा जी को बुला कर लेकर आया, मंदिर का प्रतिष्ठा किया, मंदिर प्रतिष्ठा होने के साथ साथ विग्रह को प्रतिष्ठा किया, तो अब से पूजा विधि चल रहा है। भारतवर्ष में सुप्राचीन आध्यात्मिक क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम में विराजमान भगवान श्री जगन्नाथ का विभिन्न नीति नियम से एक नवकलेवर नीति एक विशिष्ट नीति है। जैसा कि देखा जाए भारतवर्ष में अनेक विष्णु मंदिर है, लेकिन जो नवकलेवर उत्सव सिर्फ क्षेत्र में जगन्नाथपुरी मंदिर पे किया जाता है, और कोई विष्णु मंदिर पे नहीं, कोई भी जगह पे सिर्फ जगन्नाथपुरी में। और जो मौल मास कहा जाता है, जोड़ुआ आषाढ़ के महीना को मौल मास कहा जाता है, मौल मास हर महीना का कुछ ना कुछ नाम है, जानते हैं हर महीना का क्या क्या नाम है, भगवान का नाम से नामित है, सभी महीना का कुछ ना कुछ नाम है। मार्गशीर महीना से चालू होता है, हमारा जो 12 तिलक है, 12 तिलक हमारे शरीर में करते हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं, 12 तिलक होता है, और 12 तिलक का अनुसार 12 महीना का नाम है, ये भगवान का नाम से नामित है। तब हमारा पहला कहाँ से सृष्टि होता है, केशव से सृष्टि होता है, केशवाय नमः, ये मार्गशीर का महीना, मार्गशीर महीना को केशव के महीना कहा जाता है। मार्गशीर के बाद कौन सा महीना आता है, पौष महीना, पौष महीना को नारायण का महीना कहा जाता है, और उसका बाद माघ के महीना आता है, माघ के महीना को केशवाय नारायण माधव के महीना कहा जाता है, और उसका बाद कौन सा महीना, फाल्गुन के महीना, फाल्गुना महीना को गोविंद का महीना कहा जाता है। इसलिए ओडिशा में दोल यात्रा होता है, दोल यात्रा राधा गोविंद का विग्रह को पंडित लोग लेके हर गांव पे घुमाते हैं, वही फगुन महीना में, फगु महीना में हम लोग को फगु खेलते हैं, खेलते हैं ना, क्या खेलते हैं, होली, उसी फगु महीना, फगुन महीना में गोविंद दोल उत्सव होता है उड़ीसा में, इस प्रकार के। तब कौन सा महीना गया, फगुन गया, फगुन को कहा, क्या कहा गया, गोविंद। तब इसका बाद कौन सा महीना आया, हाँ चैत्र महीना, चैत्र महीना को क्या कहा जाता है, केशवाय नारायण माधवाय गोविंदाय वैष्णवाय नमः, विष्णु का महीना। इसी महीना का सीरियल कर लीजिएगा, इसका बाद कौन सा महीना था, उसका बाद कौन सा महीना, 12 महीना इसी प्रकार जाता है। कार्तिक महीना को दामोदर की महीना कहा जाता है, कहा जाता है ना, हम दामोदर व्रत करते हैं, ये कार्तिक महीना में आएगा। पूरा लिख लीजिए पूरा महीना, फिर साइड में पूरा 12 तिलक जो है हम करते हैं, 12 तिलक उसी नाम का अनुसार लिख लीजिएगा।
पूरा सीरियल वाइज वो नाम आता है। तब ये 12 महीना में भगवान का नाम का अनुसार नामित किया गया है महीना का नाम। लेकिन जो मौड़ मास आता है, दो आषाढ़ आता है, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई नाम नहीं। इसीलिए एक बार भगवान खीर सागर में शयन किए थे, खीर सागर में शयन किए। मैं इसको सिर्फ आपको थोड़ा ब्रीफ दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन पूरा क्लियर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि समय बहुत कम होता है। सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूँ, उसे मौड़ महीना का नाम क्या पड़ा। मौड़ मास घोषा हो गया, सभी लोग बोले, सभी लोग मेरा को बोल रहे हैं मौड़ मास मौड़ मास। मौड़ मास मतलब क्या है? सभी महीना का कुछ ना कुछ समय बच जाता है, समय बचने के नाते ये महीना बन जाता है। ये महीना 3 साल में एक बार आता है, 3 साल में एक बार मौड़ महीना आएगा, मौड़ मास आएगा। जुड़वा आषाढ़ आ जाएगा, नहीं तो जुड़वा श्रावण आएगा, नहीं तो जुड़वा ज्येष्ठ आएगा, नहीं तो जुड़वा वैशाख महीना पड़ेगा, हर 3 साल पे। तो मौड़ मास ने जाके खीर सागर में भगवान शयन किए, भगवान को जाके प्रणाम करके, प्रभु सभी लोग मेरा को चिढ़ा रहा है, जोक कर रहा है, मेरा नाम मौड़ मास क्यों दिया? क्योंकि सब बच गया था ना, हर महीना में थोड़ा थोड़ा बचत होता है, और हम जो भी जो कुछ खाते हैं, खाने के बाद हमारा सारा बचत क्या जाता है, नीचे से जाता है, हमारा सारा बचत बाहर निकलता है, तब इसी को भी मौल कहा जाता है। इसलिए वो महीना मौल महीना क्यों कहा गया, इसलिए मौल महीना घोषा होके, मौल के मास घोषा होके जाके भगवान के पास शिकायत किया। शिकायत करने के बाद भगवान ने क्या कहे, भगवान कहे आपको आज से कोई मौल मास नहीं कहेगा, मेरा नाम से आपका नाम दिया जाएगा। भगवान ने अपना नाम से वो महीना का नामित किए, वो नाम रहा पुरुषोत्तम मास। भगवान का नाम से वो नाम है पुरुषोत्तम मास। उसी महीना में आप जगन्नाथ अष्टकम पूरा महीना पाठ कीजिए, जगन्नाथ अष्टकम और भगवद गीता का 15 अध्याय। 15 अध्याय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। भगवद गीता में 18 अध्याय है ना, 18 अध्याय में 15 अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। वो अध्याय को भी पाठ करना चाहिए उसी महीना पे। तब दूसरा अर्थ में कहते हैं श्रीमद् भागवत की सप्तम स्कंद, सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है। आप गिनती घर पे जाकर गिनना, 15 अध्याय की 16 अध्याय है। प्रभु जी बोला तो 15 अध्याय सत्य है कि झूठ है, हम देख लेंगे जाके। श्रीमद् भागवत की सप्तम स्कंद में टोटल 15 अध्याय है। 5 अध्याय हिरण्यकशिपु का बारे में, 5 अध्याय प्रहलाद महाराज के बारे में, और 5 अध्याय कर्मयोग का बारे में वर्णन है। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया था, क्या प्रार्थना किया था? प्रभु, ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया था। हिरण्यकशिपु किसका भक्त था? ब्रह्मा जी का भक्त था। और ब्रह्मा जी को प्रार्थना किया, असुर है, और प्रार्थना क्या किया? वो सोच रहा था मैं किसी में नहीं मरूंगा, जैसा मैं ऐसा वर मेरा को मिलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी से क्या प्रार्थना किया? बोला ऊपर से नीचे, ऊपर में नहीं मरूंगा, अभी नीचे नहीं मरूंगा, और कोई अस्त्र शस्त्र द्वारा नहीं मरूंगा। अब ब्रह्मा जी तथास्तु करते जा रहा है, तथास्तु करते जा रहा है, ऊपर नहीं नीचे नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र द्वारा नहीं, दिन में नहीं रात में नहीं, और फिर और क्या मांगे थे? बाहर नहीं भीतर भी नहीं, जल में नहीं कि स्थल में नहीं, और भगवान वर देते रह रहे हैं। बोले ठीक है, जो मांग रहे मांगने दो, देते रहो। अब ब्रह्मा जी वर दे दिया, देते रहे वर, लेकिन ब्रह्मा जी का पिताश्री है कि नहीं, जो विश्व का मालिक
सर्वांतरजामी सुपर हीरो। बोले ये सारा वर मांगा लेकिन एक ही वर मांगा नहीं। भगवान कुछ भी किसी भी समय में कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हैं, ये ध्यान देना चाहिए। इसीलिए भगवान चौकट ऊपर, बाहर नहीं भीतर नहीं, घर का चौकट, उड़िया भाषा में बोलते हैं एरोंडी बंध, जो चौकट होता है ना। अभी तो चौकट होता नहीं, हमारा गेट के पास चौकट नहीं लगता है। देखिए तीन है ना, दोनों साइड में दो है, ऊपर में पहले बीच में होता था नीचे जमीन में। तब भगवान बाहर नहीं भीतर नहीं, चौकट का ऊपर बैठ गए। और हिरण्यकश्यप को ऊपर नहीं नीचे नहीं मारना, तब जांघन का ऊपर ले लिया। सही, कोई अस्त्र शस्त्र यूज नहीं किया प्रभु। तब नाखून है कि नहीं, तब हिरण्यकश्यप को, हिरण्यकश्यप सब कुछ मांगा, फिर मांगा था, बोला 12वां महीना का अंदर मेरा मृत्यु नहीं हो, ये भी मांगा था। इसलिए भगवान उसी के लिए 13वां महीना निकाला। ये पुरुषोत्तम महीना में हिरण्यकश्यप का क्या हुआ था, हरि बोल हुआ था। ये 13वां महीना इसीलिए, और उसी महीना को मल मास कहा जाता है। और मल मास में आप लोग को वृंदावन जाके पूरा महीना वास कर सकते हैं, जिसी प्रकार कार्तिक महीना में जाकर वास करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाते हो झूठ झाड़ बोल के, तो साधु वैष्णव लोग का सेवा करते रहना चाहिए वृंदावन धाम में जाके। आपका धन पवित्र होगा जब आप मंदिर पे दान देते हो, जब साधु संत लोग को सेवा करते हो तब धन पवित्र होगा, नहीं तो नहीं। क्यों, भगवद गीता में तीन प्रकार के दान कहा गया, तामसिक दान, राजसिक दान और सात्विक दान, ये ध्यान देना चाहिए। तब इसीलिए मल महीना में भगवान का नवकलेवर, जो महीना पुरुषोत्तम महीना का नाम से नामित है, तो भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी में विराजमान है, लेकिन अपना शरीर को क्यों त्याग देते हैं, यह रहस्यमय घटना है। भगवान मानवीय लीला करते हैं, मनुष्य का कुछ परमायु होता है, पशु का भी कोई परमायु होता है, पेड़ का भी कोई परमायु होता है, पत्थर का भी कोई परमायु होता है, हर चीज का 84 लाख जोनि है, 80 लाख इतर जोनि है, 4 लाख प्रकार के मनुष्य जोनि है। सही, लेकिन सभी का, देवता लोग भी, सभी का मृत्यु का समय है, सभी को शरीर छोड़ना है। और भगवान वही लीला करने के लिए स्वयं जगन्नाथ में, जगन्नाथपुरी में दारू ब्रह्म रूप में वो लीला करते हैं। विभिन्न प्रकार के दारू में, दारू मतलब लकड़ी है, दारू में विग्रह निर्माण करने का विधि था, लेकिन जगन्नाथ का विग्रह नीम का लकड़ी में, नीम का दारू में क्यों बना गया, इसका भी रहस्य है। इसका कोई रहस्य है, अवश्य होगा। क्या है, नीम दारू समस्त काष्ठ में सर्वश्रेष्ठ है। पुनः नीम दारू पुराना होने का नाते मलय पवन, मलय का पवन हवा स्पर्श से वही नीम का दारू चंदन रूप में परिणत हो जाता है, और इसका स्वाद तिक्त होने से कोई कीड़ा द्वारा नष्ट नहीं होता है। द्रव्य गुण अनुसार नीम रोग निवारक रूपे कार्य करता है। आगम शास्त्र अनुसार वृक्ष को पुरुष और स्त्री और क्लीब लिंग रूपे तीन भाग में विभक्त किया जाता है, लेकिन नीम वृक्ष
पुरुष माना जाता है। पुरुषों का स्वीकृति होने का नाते यह शक्त और श्रेष्ठ है। इसीलिए जगन्नाथ का विग्रह नीम का लकड़ी से बनता है। श्री जगन्नाथ जगत का नाथ तथा पतित पावन होने का नाते वो जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में सबका पूजा के लिए विग्रह नीम दारू में निर्मित उपयुक्त है। जगन्नाथ विग्रह नीम दारू में निर्मित होने से शास्त्र अनुसार उसका परमायु 8, 12, 19 साल होता है। इसीलिए कलेवर परिवर्तन कुछ वर्ष अंतर में होता है, इसको नवकलेवर यात्रा कहा जाता है। 1001 से लेके 2015 का बीच में 73 टाइम्स 73 बार जुड़वा आषाढ़ पड़ चुका है। तो 73 बार जुड़वा आषाढ़ आया है, मतलब जगन्नाथ भी 73 बार शरीर को त्याग कर चुके हैं। कभी कभी जुड़वा आषाढ़ 22 साल में पड़ता है, कभी कभी 16 साल में पड़ता है, कभी कभी 33 साल में पड़ता है, कभी 8 साल में पड़ता है, कभी कभी 27 साल में पड़ता है। हम लोग को देखते हैं 1912 में एक बार हुआ था, 1931 साल में एक बार हुआ था, 1950 में एक बार हुआ था, 1969 में एक बार हुआ था, 1977 शिल प्रभुपाद जिसी दिन शरीर छोड़े, 1977 नवंबर 14 तारीख सोमवार राति 7:30 शिल प्रभुपाद कहाँ गए बोलो? कृष्ण बुलाया, प्रभुपाद को स्वयं कृष्ण बुलाया। और वो साल में भी नवकलेवर हुआ था, शुद्ध भक्त को कृष्णा जहां भेजना चाहेंगे भेजेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा उनको बुलाकर वहां भेजेंगे। इसलिए शिल प्रभुपाद को यहां धरती में जरूरत था, इसलिए शिल प्रभुपाद को ये धरती में भेजा। कब भेजा था? प्रभुपाद का जन्मदिन कौन से साल में हुआ था बताइए, याद तो रखना चाहिए कम से कम। किसी का आपका जन्मदिन ही याद रखते हो, बहुत बड़े बड़े याद रखते हैं, हाँ मेरा बर्थडे आने वाले है, अपना बर्थडे को पहले रख लेते हैं, शुद्ध भक्त का बर्थडे को, उनका जन्मतिथि को, कि जन्माष्टमी कितना तारीख को पड़ेगा उसको पहले याद नहीं है। अपना के बारे में सुबह से शाम तक हमें सोचते रहते हैं ना, और शिला प्रभुपाद का, लेकिन कम से कम भक्त लोग को इतना ही जानकारी होना चाहिए, प्रभुपाद का जन्म, प्रभुपाद शरीर छोड़े कब और प्रभुपाद ने क्या काम किया। आप किसी भी नया व्यक्ति को शिल प्रभुपाद का इतना हिस्ट्रिकल पॉइंट बता दो, एक बार इतना ही बताने के बाद वो आश्चर्य हो जाएगा, इतना बड़ा काम। अभी तक हिस्ट्री खोल के देखिए, 50,000 साल का हिस्ट्री खोल कर देखेंगे तो इतना बड़ा काम नहीं किया जो कि शिल प्रभुपाद करके दिखाया। सारा विश्व का लोक प्रभुपाद का चरण कमल पे सिर झुकाने के लिए आते हैं, कितने बड़ा मिनिस्टर क्यों नहीं हो जाए। इसी प्रकार व्यक्ति को शिल प्रभुपाद को स्वयं भगवान कृष्ण यहां पे भेजे थे 1896 कितना में भेजे 1896 नंदोत्सव का दिन। और जन्म हुआ था प्रभुपाद का सोमवार ना मंगलवार पड़ा था, बार भी। और कितने काम किया सिर्फ बता रहा हूं, प्रभुपाद ने कितना बड़ा काम किया सभी को मालूम थोड़ा बहुत होगा, लेकिन फिर भी क्लियर करा दे रहा हूं। प्रभुपाद ने 1896 में जन्म लिया, 1922 में गुरु का साथ मिला। गुरु का नाम क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद, जो कि
गौड़ीय मठ बनाया है, गौड़ीय मिशन 64 गौड़ीय मिशन बनाया भक्ति सिद्धांत सरस्वती राव से प्रभुपाद। लेकिन ऐसा शिष्य एक मिला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जीवन में ऐसा एक शिष्य मिला जो कि शिल प्रभुपाद। और शिल प्रभुपाद को 1922 में मिलने का बाद कहे, आप अभी यंग उम्र है और आप अच्छा पढ़े लिखे हो, तब आप जाके अमेरिका में प्रचार कीजिए हमारा भारतीय संस्कृति को, भारत में जो भक्ति है, भगवान का बारे में समझाना है, आप जाके विदेशी लोग को समझाओ। तब प्रभुपाद गुरु का आदेश को हृदय में धारण कर लिया, हृदय में धारण कर लिया, इसलिए गुरु का आदेश हो गया, इमीडिएटली हृदय में धारण करना चाहिए। और हृदय में धारण करते हो तब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हमें डेली पढ़ते हैं ना गुरु पूजा का टाइम पे, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो ज्ञान ऑटोमेटिक प्रकाश पाएगा जब आप गुरु को, गुरु का बात को आपका हृदय में धारण करते हो, गुरु ने जो बोला है। तब प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बात को हृदय में धारण किया, घर गृहस्थी तहसील प्रभुपाद किए। 1965 यात्रा शुरू किया, यात्रा शुरू किया। प्रभुपाद को कहते हैं आप अमेरिका जाए में प्रचार करने के लिए, 1965 में चला प्रभुपाद अमेरिका गया। मैं बीच में सब कुछ छोड़ दे रहा हूँ, कितना तारीख को वृंदावन आए, वृंदावन में आकर क्या किए, बहुत सारा चीज बीच में है। तब 1965 में अमेरिका गया, 1966 में यह संस्था प्रतिष्ठा किया, संस्था पहला प्रतिष्ठा हुआ संस्था न्यूयॉर्क शहर पे, और संस्था का नाम दिया इस्कॉन। बहुत सारा विदेशी लोग ये संस्था का नाम अलग देना चाहते थे, कहते थे गॉड कॉन्शियसनेस करो, शिल प्रभुपाद मना किया गॉड कॉन्शियस नहीं करने का, गॉड कॉन्शियसनेस करेंगे तो क्या होगा, सभी लोग अपना अपना देवी देवता को जिसको जिसको जो मानते हैं वो इसको ही मानते रहेंगे, ऐसा नहीं, इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस करो, इसलिए इस्कॉन का पूरा नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना वृत्त संघ प्रतिष्ठा हुआ। उसका भी तिथि है 13 जुलाई में इस्कॉन सोसाइटी प्रतिष्ठा हुआ था, 13 जुलाई। अभी 50 साल बीत गया हमारा हवि जाका पे उत्सव पालन हो रहा था। तब 66 में संस्था प्रतिष्ठा किया और 75 में इस्कॉन वृंदावन मंदिर को प्रतिष्ठा किया, और इस्कॉन मंदिर वृंदावन का मंदिर का पीछे प्रभुपाद रहते थे 2 साल, वो कमरा है प्रभुपाद जी जिस रूम में रहते थे वो मंदिर का पूरा बैक में है, मंदिर का कैंपस का अंदर है, उसी कमरा का अंदर 2 साल 1975 to 77 November 14 सोमवार 7:30 शिल प्रभुपाद गोलोक वृंदावन को प्रत्यागमन किए। तब 1965 से 1977 12 साल के अंदर इतने बड़ा काम किया, 12 साल सिर्फ उनका हाथ में, 13वां साल भी नहीं हुआ, 12 साल के अंदर क्या काम किया, पहला काम किया 60 पुस्तक लिखा, कितना किताब लिखा 60 किताब लिखा, जो किताब में कोई भी गलतियां नहीं निकाल सकता है, कभी कुछ भी हमें एक ही लेटर लिखते हैं कोई दोस्त के पास भेजते हैं इसमें हजार गलतियां निकलता है, और वही किताब अभी भी हमारा सामने प्रस्तुत है। और शिल प्रभुपाद कहे मेरा किताब जब तक धरती पर रहेगा तब तक मैं जीवित रहूंगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा किताब वितरण हो रहा है, और
60 किताब लिखे 12 साल के अंदर, 12 साल के अंदर और क्या किया, 10,000 शिष्य ग्रहण किया। आप खुद अपना बेटा को कुछ बोलते हो, बेटा सुनता है कि नहीं सुनता है, सही? और शिल प्रभुपाद विदेशी लोग को समझाया, जो लोग अम्लेच्छ और जवन थे वो लोग भक्त बने। और सारा विश्व में 108 मंदिर बनाया, कितना मंदिर, 108 मंदिर बनाया। पहला मंदिर न्यूयॉर्क में, लास्ट मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर, लास्ट मंदिर 108 में। और श्रील प्रभुपाद सारा विश्व को 14 बार भ्रमण किया, ये सब 12 साल का अंदर, सोचो हो सकता है? एक दिन मीरा रोड मंदिर पे आने के लिए इतना कष्ट है, ऑटो मिलता है कि नहीं मिलता है, सही कि नहीं, कि साल में एक बार मीरा रोड मंदिर पे आ गए तो ज़्यादा हो गया। विश्व को 14 बार भ्रमण किया। श्रील प्रभुपाद की, तब 1977 में भी नवकलेवर हुआ था, 1996 में नवकलेवर हुआ था, इसका बाद हुआ 2015 में भी नवकलेवर। श्री जगन्नाथ जिस साल नवकलेवर का विधान, उसी साल देवस्थान पूर्णिमा का 65 डेज 65 दिन का पहले चैत्र मास शुक्ल पक्ष दशमी से कितना दैतापति, दैतापति कौन होते हैं, विद्यापति का जो शबरी पुत्री था, शबरी पुत्री से जो बच्चा हुए थे वो बच्चे को दैतापति कहा जाता है, ध्यान देना है। विद्यापति का दो पत्नी थे, पहला पत्नी ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण पत्नी से जो बच्चे हुए थे वो सब पूजा पंडा, मतलब पूजा पाठ करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। और जो शबर, शबर पुत्री से मतलब विश्वावसु का पुत्री को शादी किया था, कौन, विद्यापति, तब विद्यापति जब शादी किया था ललिता, उसका नाम था ललिता, ललिता का गर्भ से जितने सब बच्चे आए उनको दैतापति कहा जाता है, उसी वंशधर को दैतापति कहा जाता है। तब उसी शुक्ल पक्ष दशमी का तिथि में कुछ दैतापति और कुछ ब्राह्मण और 4 विश्वावसु, विश्वकर्मा, देवलकर्ण, ये उड़िया भाषा में सिर्फ नाम बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, फिर भी मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा। चढ़ौकरण, बेहराकरण, लंका, विश्वावसु और पति महापत्र आदि दारू अनुसरण मतलब दारू ढूंढने का निमित्त अनुकूल करते हैं, अनुकूल मतलब कुछ पूजा करते हैं। पहले चैत्र शुक्ल दशमी दिन मध्यान्ह मतलब 12-1 बजे का बाद भगवान का आरती होता है, आरती का बाद सुबह लग्न देखा जाता है, सुबह मुहूर्त देखा जाता है, देख के पति महापत्र रत्न सिंहासन का ऊपर जाएगा, रत्न सिंहासन से भगवान को प्रार्थना करेगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन को प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करके उनका माला, आज्ञा माला जो कहा जाता है, और भगवान से प्रार्थना करके एक माला लेकर आएगा, और वो माला को आज्ञा माला कहा जाता है। कह करके 3 बड़ग्राही दैता के हाथ में दिया जाता है, तो वही पति महापात्र सुदर्शन का आज्ञा माला लेकर चलते हैं। 3 बड़ग्राही दैता का नाम दास महापात्र, स्वाई महापात्र और दास। इस आज्ञा माला को लेकर कलाहाट द्वारा निकस्टर अणसर पिंडी, अणसर पिंडी मतलब अभी जगन्नाथ जिस कमरा में रहते हैं, जगन्नाथ अभी रत्न सिंहासन पे नहीं है, ये ध्यान देना है, उनके लिए अलग एक कमरा बना होता है, वो कमरा में उसको अणसर कमरा कहा जाता है, अणसर पिंडी निकट में पहुंचते हैं, और अंदर में 6 महापात्र उस लोग को बरलागी गीत गोविंद, जो गीत गोविंद का साड़ी दिखाया था ना,
और गीत गोविंद का साड़ी सभी का मथा पे पगड़ी का रूप में बांधते हैं, और दारू अन्वेषण निमते अन्य दैता का सिर पे चार हाथ वाला पगड़ी बांधते हैं, और कुछ होते हैं उनका सिर में 12 हाथ वाला साड़ी बांधते हैं। इसका बाद ये लोग क्या करते हैं, जय विजय द्वार निकट देउलकरण और तढ़ावकरण बेहराकरण आदि मथा पे साड़ी को बांधते हैं। साड़ी बांधते मतलब पगड़ी बांध देते हैं। उसका व्यतीत लंका विश्वकर्मा विश्वावसु का सिर पे सूता साड़ी का पगड़ी बांधा जाता है। ब्राह्मण लोग फिर वहाँ से कोयली वैकुंठ जहाँ पे जगन्नाथ का समाधि दिया जाता है, जगन्नाथ को समाधि दिया जाता है, कोयली वैकुंठ में यज्ञशाला निर्माण मंडप स्नान अधिवास गृह अंकुर रोपण गृह दारू गृह का शुभ अनुकूल होता है। वही कोयली वैकुंठ में 4-5 कमरा बना जाता है, कमरा बना के उसको शुद्धपुत किया जाता है, मतलब वहाँ पे कुछ हवन किया जाता है। साड़ी बंधा नीति होने का बाद रत्न सिंहासनस्थ भगवान को प्रणाम करने का बाद छत्री त्रास और वाद्य यंत्र सह 7 सीढ़ी आनंद बाजार की और 22 सीढ़ी होकर सिंह द्वार जो पूर्व दरवाजा से बाहर निकलते हैं कहाँ जाते हैं, राजा का पास गजपति राजा का घर जाकर पहुँचते हैं, और राजा उनको सभी को हाथ में स्पर्श करेगा आशीर्वाद देगा और हस्त में पान का साथे सुपारी ये शुभ माना जाता है। पान का साथे सुपारी आप देखा होगा बहुत सारा पर्व पर्वाणी में पान और सुपारी लगता है, हवन होता है तो पान चाहिए सुपारी भी चाहिए। उसी प्रकार राजा ने पान और सुपारी उनका हाथ में देगा और नारियल भी इत्यादि दे के मंत्र पाठ करेगा। मंत्र पाठ करके उनको कहेगा, राजा कहेगा आप लोग को ध्यान पूर्वक जाने का, क्योंकि दारू अन्वेषण करने के लिए दारू कहाँ मिलेगा उसके लिए वो ढूंढने के लिए निकल रहा है मंदिर से भगवान से प्रार्थना लेके प्रार्थना करके। तब शिव विग्रह नवकलवर निमित्त विधि पूर्वक उपयुक्त दारू लाने के लिए गजपति राजा का तरफ से अनुरोध किया जाता है। दूसरा नीति जिसका नाम है गुआ टीका नीति, दारू अनुसरणकारी दल मतलब टीम श्री जगन्नाथ बल्लभ मठ जाते हैं। मंदिर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पर जगन्नाथ बल्लभ मठ है, वहाँ जाके रौप्य निर्मित चक्र सुदर्शन चक्र को धारण करके गमन करते हैं, और वहाँ पे 1.5 रात रहेंगे। जगन्नाथ बल्लभ मठ में 1.5 रात रहेंगे क्योंकि किसी को मालूम नहीं पड़े हमें किसी दिशा में जा रहा है। तब जो 1.5 दिन वहाँ से जगन्नाथ बल्लभ मठ में रहेंगे क्या भोजन करेंगे, भोजन करने के लिए हविष अर्न होता है। हविष अर्न मालूम है आप लोगों को, हविष अर्न क्या होता है नहीं कैसा बताऊंगा, हविष अर्न आप समझिए खिचड़ी, आपको बताएंगे तो ये खिचड़ी बोलूंगा और क्या समझा सकता हूँ, खिचड़ी टाइप का बनता है हविष अर्न। वो हविष अर्न 1.5 दिन तक भोजन करते हैं, और वो हविष अर्न उसी जगन्नाथ बल्लभ मठ का तरफ से दिया जाता है। उसी मठ में रहने का उद्देश्य है कि संपूर्ण प्रस्तुत और गोपन में यात्रा करना किसी को मालूम नहीं पड़े। दारू अनुसरण करने के लिए कहाँ जाते हैं, जगन्नाथ पुरी से निकलते हैं 55-60 किलोमीटर दूरी पर माँ मंगला मंदिर, मंगला मंदिर ही अभिमुख यात्रा करते हैं, और यात्रा करते कोई गाड़ी मोटर नहीं, कोई ट्रेन में नहीं, कोई फ्लाइट में नहीं, पदयात्रा करते करते जाते हैं। लेकिन रास्ता में कभी विश्राम करते हैं,
तो विश्राम करने के लिए किसी के घर पे विश्राम नहीं करते हैं, कोई मठ मंदिर रास्ता में पड़ा तब वहां विश्राम करते हैं, नहीं तो रास्ता में टेंट लगा के विश्राम करते हैं। 60 किलोमीटर जाना है कम से कम तो 3-4 दिन लगेगा ही लगेगा, और उनका साथ साथ एक कीर्तन मंडली भी जाता है। लगभग पूरी से 108 पंडित लोग जाते हैं, फिर भी 4 लोग चाहिए जो कि जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा और सुदर्शन का दारू को ढूंढने के लिए 4 व्यक्ति ही चाहिए, लेकिन उनका साथ और सारा सेवा करने के लिए जाते हैं। कुछ लोग कीर्तन करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग रोसई करने के लिए, टेंडे बांधने के लिए, कुछ हवन करने के लिए, ये सब मिलके इतने लोग जाते हैं, पूरी मंदिर से निकलते हैं पूरा टीम। तब मंगला मंदिर में जाते हैं, तब मंगला मंदिर जाने के लिए 3-4 दिन लग जाता है। तब जाने का वहाँ से निकलने का टाइम से दारू को प्राप्त करने तक दारू को खंडित करके कटिंग करके लाने तक हविष्वर्ण खाना पड़ता है और कुछ खाना नहीं पड़ता है। फिर और क्या करते हैं, जब काकटपुर मंगला मंदिर में पहुंचते हैं, मंदिर का पास एक देवली मठ है, उसी मठ में सभी लोग अवस्थान करते हैं। अवस्थान करने का बाद वो मठ का पास एक नदी है जिसका नाम है प्राची नदी, उसी नदी पे सभी लोग स्नान करते हैं। स्नान करने का बाद मंगला मंदिर का अंदर प्रवेश करते हैं, और मंगला मंदिर पे जाते हैं तो मंगला देवी के लिए नया साड़ी शंखा होता है, शंखा समझ रहे ना, माता लोग को शंखा पहनते हैं ना, जब शादी होता है तो शंखा पहनते हैं ना। उड़ीसा क्षेत्र में तो शंखा टूट गया, बाई चांस जिसका शंखा टूट गया उसका पति मर चुका है ऐसा मालूम पड़ता है, उड़ीसा खतरा में ये है, जब तक हाथ में शंखा है उसका पति है, शंखा नहीं तो उसका पति नहीं। तब इस प्रकार मंगला देवी को सिंदूर और साड़ी और कोई छो जगन्नाथ का प्रसाद ये लेके भगवान मंगला देवी को चढ़ाते हैं, और चढ़ा के वहाँ पे चंडी पाठ करते हैं। कुछ नीति नियम का विधि का अनुसार वहाँ पे भी कुछ पाठ किया जाता है। मंगला देवी को संतुष्ट करके दारू अनुसंधान के लिए दैनिक हविष्य भोजन और चंडी पाठ किया जाता है, और एक ही स्वप्न बत्ती, अभी आप लोग को जानते हैं दिया जलाते हैं ना, इसको कहते हैं स्वप्न बत्ती जलाते हैं, और मंत्र जप किया जाता है, और 4 लोग साष्टांग प्रणाम देवी का सामने साष्टांग प्रणाम करके पड़ा रहते हैं, किसी को भी दर्शन नहीं करेंगे, कोई उनको देखना नहीं, और जब तक मंगला देवी का स्वप्न में आदेश नहीं होगा तब तक वो साष्टांग प्रणाम करके पड़ा रहते हैं। इसको उड़िया भाषा में कहते हैं अधिया, अधिया पढ़ते हैं मतलब अनशन, आप लोग बोलते हैं ना अनशन करते हैं, उसी प्रकार पड़ा पड़ा रहता है, खाना पीना कुछ भी नहीं। ये 4 लोग जब तक देवी स्वप्न में नहीं बोलते तब तक खाना पीना भी नहीं, पूरा निर्जला। फिर भी रात को 12 बजे मंगला देवी को कुछ पाना चढ़ा जाता है, पाना मतलब जूस, और वही जूस ये 4 लोग को दिया जाता है, इतने ही पी के पूरा संकल्प व्रत संकल्पवध होते हैं निष्ठा का साथ। अभी भी ये रिवाज है, देखना है तो आपको 3 महीना लगभग आपको छुट्टी लेना पड़ेगा, घर से छुट्टी, ऑफिस से छुट्टी, देश से छुट्टी लेके उड़ीसा जाना पड़ेगा। 3 महीना रहोगे तो ये सारा विधि विधान को दर्शन कर सकते हैं। तो फिर मंगला देवी प्रसन्न होके नीम का दारू, नीम का पेड़ कहाँ मिलेगा तब बताते हैं, कौन सा दिशा श्री भी बताएंगे, श्री भी दिशा समझो,
मंगला देवी कह दिए आपको जगन्नाथ का दारू मिलेगा पूर्व दिशा में, तो वो व्यक्ति दूसरा दिन सुबह उठ के सभी उनका टीम को बताएगा भगवान इसी दिशा में मिलेंगे, तब वो सभी लोग जाएंगे पूर्व दिशा का तरफ। पूर्व दिशा में जाएंगे, जाके वो पेड़ ढूंढते रहेंगे, नीम का पेड़ ढूंढेंगे पहले, और नीम का पेड़ ढूंढने का साथ साथ देखेंगे नीम का पेड़ में सब निशान है कि नहीं, संकेत है कि नहीं, सूचक है कि नहीं। क्या सूचक है बता रहा हूँ, क्या क्या सूचक होना चाहिए उसमें, एक एक करके। तो इसी प्रकार स्वप्न में आदेश दे देते हैं। जगन्नाथ के लिए एक ही पंडित को कहा जाएगा, बलदेव के लिए दूसरा पंडित को, सुभद्रा के लिए तीसरा पंडित को, और सुदर्शन के लिए चौथा पंडित को कहा जाएगा। लेकिन सीरियल वाइज मंगला देवी स्वप्न में आदेश देंगे। पहला सुदर्शन के लिए आदेश देंगे, पहला सुदर्शन के लिए आदेश देंगे, इसका बाद बलदेव के लिए आदेश देंगे, इसका बाद सुभद्रा के लिए आदेश देंगे, इसका बाद जगन्नाथ के लिए आदेश देंगे। तब उसका लक्षण कैसा होता है, वह वृक्ष अति पुरातन होगा, बहुत पुराना होगा, हो सकता है 100 साल, हो सकता है 200 साल, हो सकता है 500 साल का पुराना पेड़ होगा। वृक्ष का पास एक ऊंची बांपी होगा, कितना बांपी समझ रहे हैं आप लोग को पता नहीं, हिंदी में तो बांपी बोलते हैं, बालू में बनता है बहुत बड़ा, जैसा पर्वत टाइप का ऐसा बन जाता है, क्या बोलते हैं आप लोग, बालू में बनता है ना, दीमक, दीमक जो बोलते हैं आप लोग, दीमक बनाते बनाते बड़ा नहीं बना देता है, बांपी कहते हैं ना, बांपी उसका पास होगा, वो पेड़ का पास। और वो पेड़ का पास एक काला नाग होगा, काला सांप, जो कि स्वयं वासुकी वो पेड़ को सुरक्षा देने के लिए वृक्ष के रक्षक के रूप में वहां रहता है। उसका डर से ना तो कोई व्यक्ति उस पेड़ को स्पर्श करते होगा, और ना कोई पक्षी उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाते होगी, कोई ऐसा हो सकता है आप बताइए, कोई भी ऐसा पेड़ है जो पेड़ में चिड़िया बैठ के घोंसला नहीं बनाया होगा, हो सकता है हर पेड़ में नहीं हो सकता है, लेकिन नीम का पेड़ आप बताइए, ये सब सूचक है, ये पंडित लोग जाके ढूंढेंगे ये पेड़ में ये सिम्टम है कि नहीं। उसी वृक्ष के निकट ही कोई ना कोई जलाशय, कोई ना कोई नदी होगा, कोई ना कोई तालाब होगा, कोई ना कोई एक श्मशान भी होगा, नहीं तो कोई मंदिर होगा, नहीं तो कोई मठ होगा, नहीं तो कोई आश्रम होगा, ये आवश्यक है। उसी वृक्ष का उच्चता होगा 10 फीट से लेके 18 फीट तक हाइट होगा। वृक्ष का स्वाद तिक्त का परिवर्तन से मधुर होगा, ऐसा कोई नीम का पता कड़वा नहीं लगेगा, मीठा लगेगा, ये भी सिम्टम है, बताओ। तब जाके वो पेड़ को कटिंग किया जाएगा, बहुत विधि विधान और आगे है। फिर जगन्नाथ दारू में क्या होगा, जगन्नाथ दारू का लक्षण क्या है, ये तो पेड़ का पास है होना जरूर है, सभी पेड़ का पास है ये होना जरूर है, लेकिन जगन्नाथ का पेड़ में क्या निशान होगा, जगन्नाथ जो पेड़ होगा, जिस पेड़ से नीम का लकड़ी से जगन्नाथ का दारू बनेगा, जगन्नाथ का विग्रह बनेगा, उसका वर्ण होगा कृष्ण वर्ण, मतलब श्याम वर्ण। उसी पेड़ का ऊपर
चार डाहियां निकले होगा ऊपर में जाकर, चार डाहें चारों दिशा में, और चारों दिशा में डाहियां निकलेगा, निकलने के बाद से उसका तने पर शंख, चक्र, गदा और पद्म का चिन्ह होगा। ये जगन्नाथ का विग्रह बनने वाला जो नीम वृक्ष है। बलदेव का दारू का लक्षण क्या होगा? उसका वर्ण सफेद होगा। उसका वर्ण कैसा होगा? सफेद। और तने पर हर और मुसल का निशान होगा। पेड़ का ऊपर सात शाखाएं होगी, जो कि दूर से देखने से लगेगा जैसे सात सप्त फेनी सांप, सात फन वाले सांप। शाखाएं दूर से फूलों की फलगी जैसे दिखाई देगी, या जैसे कि सर्प का फन होता है उसके आकार प्रकार से मिलती जुलती होगी। ये है बलदेव का वृक्ष का। और तीसरा है सुभद्रा। सुभद्रा दारू का लक्षण है जिसका रंग पीला होगा और तने पर पांच पखुड़ियां वाले कमल के फूल का चिन्ह होगा। पांच पखुड़ी वाले कमल का फूल। पेड़ का ऊपर पांच शाखाएं निकले होगी। ये सुभद्रा का पेड़ का। फिर आएगा सुदर्शन। सुदर्शन का दारू के लक्षण है उसका रंग होगा लाल। कैसा होगा? लाल। पेड़ पर नाभि का चक्र सा बना होता है, नाभि चक्र जैसा चक्राकृति होगा। सुदर्शन का दारू का लक्षण है। उसके ऊपर तीन शाखाएं होनी चाहिए। इसी वृक्ष के निकट बरगद तथा बेल का वृक्ष होना अनिवार्य है। ये चार वृक्ष इस प्रकार सूचित किया जाता है। इसी प्रकार जब तक ये सूचना नहीं मिलेगा तब उसी वृक्ष से जगन्नाथ का स्वरूप नहीं बनाते हैं। ये सब कुछ सिम्टम मिलना चाहिए तब जाके। कितने जंगल में, कितने जंगल पे हो जाए, कितना दूर में हो जाए, ये वहाँ से खंडित किया जाएगा। खंडित करके विधि विधान का अनुसार हवन होगा। तीन दिन हवन होता है, तीन दिन तक मंत्र पाठ किया जाता है। ये सब का विधान फिर आपको काल बताएंगे। काल बताएंगे, समय तो आगे आगे चलता है इसलिए काल बताएंगे। नवकलवर इसलिए बोला था दो दिन लेने के लिए, इसका विधि विधान क्या है, किस प्रकार। फिर मैं पिछले साल भी नवकलवर का सीढ़ी भी दिखाया था, किस प्रकार नवकलवर दिखाया था। अढ़ाई घंटा का सीढ़ी है, पिछले साल दिखाया था कैसा होना चाहिए, कैसा विधि मुताबिक होता है। आप देखोगे प्रैक्टिकल तब समझ में आएगा। मैं अभी तो सिर्फ आपको बताया इस विधान का अनुसार जगन्नाथ का शरीर बनता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का शरीर बनता है, ये ध्यान देना चाहिए। तब अभी थोड़ा हमारा इच्छा है जगन्नाथ को एक दूसरा एक भजन सुनाने के लिए, क्योंकि आप लोग सब प्रस्तुत है। जय जगन्नाथ बोल के बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज़ बहुत शांत हो जाते हैं। हमें वृंदावन में जब कथा करते हैं तब वृंदावन में इतने जय जगन्नाथ बोलते हैं तो वृंदावन मंदिर से सभी लोग को दौड़ कर आ जाते हैं, क्या हो गया क्या हो गया। तो यहाँ पे डाउन पड़ जाता है, समझ में आता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जगन्नाथ का ऊपर बोलते, तो जय जगन्नाथ जितना बार बोलोगे इसका 6 गुना पाप नष्ट होता है एक बार जय जगन्नाथ बोलने मात्र से। इसलिए जय जगन्नाथ बोलना चाहिए।